नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं समाधान इंडिया और मैं हूं आपके साथ विकास यादव। होली का त्यौहार खत्म हो चुका है, लेकिन इस वर्ष होली बेहद ही खास रहा। लोग बड़े ही धूमधाम से इस वर्ष होली मनाते दिखे। इससे पहले के वर्षों को अगर हम देखें तो लोग होली और अन्य त्यौहारों में भी ठीक ढंग से अपने त्यौहार नहीं मना पा रहे थे, इसकी वजह कोरोना थी। लेकिन अब चूँकि कोरोना शब्द ही लोग सुन नहीं रहे हैं, ना ही कोरोना देखा जा रहा है, तो इस वर्ष भी लोगों ने होली बड़े ही धूमधाम से मनाई। खास करके वैसे लोग जो प्रवासी मजदूर हैं, जो होली के त्यौहार में अपने घर आते हैं, हर वर्ष होली मनाते थे, इस वर्ष भी उन लोगों के लिए होली बेहद ही खास रही। साथ ही तमाम वो लोग जो त्यौहारों को ठीक ढंग से नहीं मना पा रहे थे, इस वर्ष उन्हें मनाने का भरपूर मौका मिला और होली बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस बीच गिरिडीह जिले के बेंगाबाद में भी कुछ ऐसी घटनाएँ घटी, जो घटना आपको हम बता रहे हैं। दरअसल गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के भवरडी में एक व्यक्ति की वज्रपात से मौत हो गई। उनका नाम सोहन पंडित बताया जाता है। वहीं दूसरी घटना बेंगाबाद के NH 114A बेंगाबाद मुख्य बाजार के पास ही घटी, जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें कि यह सड़क दुर्घटना इतनी भीषण थी कि बाइक के परकच्चे उड़ गए। वहीं जो दो भाई बहन सवार थे, उनमें से एक की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार पचम्बा थाना क्षेत्र के जग पतारी के रहने वाले हासिम अंसारी का 22 वर्ष पुत्र नदीम उर्फ सोनू मधुपुर थाना क्षेत्र स्थित पथलजोर से अपनी बहन फरहत परवीन उर्फ बुलबुल परवीन और उसके बेटे को लेकर बाइक से गिरिडीह की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बेंगाबाद चौक पहुंचने पर विपरीत दिशा से आ रही एक अनियंत्रित बोलेरो ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परकच्चे उड़ गए। वहीं इस हादसे में सड़क बाइक पर सवार नदीम और उसकी बहन फरहत बुरी तरह जख्मी हो गए, जबकि नदीम के 1.5 साल के भांजे नवाज को खरोंच तक नहीं आई। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। वहीं बेंगाबाद पुलिस भी पहुंच गई। लोगों ने आनन फानन में दोनों भाई बहनों को एम्बुलेंस के जरिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया, जहां चिकित्सक ने नदीम को गंभीर हालत देखते हुए रेफर कर दिया। धनबाद ले जाने के दौरान रास्ते में ही नदीम ने दम तोड़ दिया। फिलहाल बहन का इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं 1.5 साल के बच्चे को फिटकोरिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि शाहनवाज अंसारी ने अपने पास रख लिया। बाद में उनके परिजनों का पता कर थाना बुलाया गया और बच्चे को परिजनों को सौंप दिया गया। इस पूरे घटना में बेंगाबाद थाना प्रभारी ने बेहद ही तत्परता दिखाई। सदलबल जैसे ही उनको जानकारी हुई कि घटना इस तरह की घटी है, वो तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाई और तत्काल घायल लोगों को जो है अस्पताल भेजा गया। आपको बता दें कि बेंगाबाद में जहां होली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, वहीं ऐसी भी घटनाएं घटी। हालांकि बेंगाबाद के थाना प्रभारी शशि सिंह, बेंगाबाद प्रखंड विकास पदाधिकारी कयूम अंसारी, बेंगाबाद अंचलाधिकारी कृष्ण कुमार मरांडी के अलावे बेंगाबाद के थाना के पुलिसकर्मी साथी पदाधिकारी होली त्यौहार में बेहद ही सक्रिय दिखे, तत्पर दिखे। जहां जहां भी कुछ घटनाएं घटी, बेंगाबाद थाना प्रभारी ने अपनी तत्परता दिखाई, मदद किया, शांति व्यवस्था कैसे बहाल रखी जाए इसका भी ख्याल रखा गया और बेंगाबाद में शांतिपूर्ण तरीके से होली का त्यौहार मनाया गया। वहीं गिरिडीह में भी कुछ घटनाओं के अलावे कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं घटी है। हालांकि सड़क दुर्घटना में जिनकी मौत हुई है, वो एक दर्दनाक घटना है, शायद इसे रोका नहीं जा सकता था। घटनाएं रुकती नहीं है, लेकिन फिर भी और भी जो व्यवस्थाएं हैं, असामाजिक तत्वों को रोकना, अशांति न फैलने देना, इसको लेकर के प्रशासन, जनप्रतिनिधि सभी तत्पर दिखे और होली का त्यौहार इस वर्ष बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। साथ ही बेंगाबाद थाना क्षेत्र में ही एक ऐसी घटना घटी जहाँ एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर अपनी अहलीला समाप्त कर ली, आत्महत्या कर की खबर भी सामने आई थी। हालांकि बेंगाबाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी और फिर उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। आज जब हम आपको पूरी तरीके से इस खबर को दिखा रहे हैं, तो एक खबर इसमें बेहद ही महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण खबर यह है कि जब सड़क दुर्घटना होती है तो लोग आप अक्सर देखते हैं कि भीड़ लग जाती है, लोग अपने मोबाइल से वीडियो बनाने लगते हैं और तमाशा देखने लगते हैं। जबकि जब सड़क दुर्घटना होती है, कोई गंभीर हालत में सड़क पर पड़ा रहता है, तो उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाने की ज़रूरत होती है, ना कि उनके वीडियो आप बनाइए, ना कि वहाँ खड़े होकर तमाशा देखिए। तत्काल 108 जैसी जो सुविधाएं दी गई हैं, एम्बुलेंस को आप फ़ोन कर सकते हैं, जो नज़दीकी थाना आपका क्षेत्र है वहाँ के किन्हीं ऑफिसर को कॉल कर सकते हैं और उनकी मदद आप कर सकते हैं। जबकि अक्सर ये देखा नहीं जाता है, लोग भीड़ जरूर लगाते हैं लेकिन मदद करने वाले लोग बेहद ही कम होते हैं। तो आपसे हमारी अपील है कि कभी भी अगर सड़क दुर्घटनाएं इस तरह की होती है तो आप उनके मदद में शामिल होइए, ना कि वहां खड़े होकर आप तमाशा देखिए।
तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपको अन्य खबरों से हम जुड़े रखेंगे। देखते रहिएगा समाधान इंडिया। होली आशा है कि आप लोगों का बेहद ही बेहतरीन रूप से आपने मनाया होगा। साथ ही जाते जाते आपको एक खबर और भी हम बता दें कि बेंगाबाद थाना क्षेत्र के चितमाड़ी पंचायत के खदरा गाँव में मटका फोड़ होली का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़े ही उत्साह से युवकों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया था। और साथ ही बेंगाबाद के कई ऐसे जगहों पर होली मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया था। बेंगाबाद के चपगाड़ी पंचायत के मुखिया साथी मुखिया संघ के अध्यक्ष मोहम्मद समीम ने भी इस बार होली जबरदस्त रूप से खेली। उनको लोग रंग लगाने उनके आवास पहुंचे थे और उन्होंने भी बड़े ही धूमधाम से इस वर्ष होली खेली है। चपगाड़ी पंचायत के अलावा बेंगाबाद पंचायत में भी युवाओं के द्वारा कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसमें होली मिलन समारोह सबसे बड़े तौर पर था, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग जुटे। सामाजिक कार्यकर्ता संजय राणा ने भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया था, जिसमें कई युवाओं ने भाग लिया। डीजे के धुन पर खूब थिरके, हालांकि डीजे का जो साउंड था वो जितने निर्देशित किए गए हैं उसी साउंड में डीजे बजाए गए, जिसमें लोगों ने होली के गीतों पर नाच गान किया। चलिए आज के लिए इतना ही। आप मिलेंगे आपसे अगली खबर में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।